Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about B.Sc. Radiology and Imaging Technology Colleges in India. आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने अपना 12th class जो है Physics, Chemistry और Biology से किया है, तो आप लोग B.Sc. जो Radiology course है and Imaging Technology जो course है, ये course आप लोग कहाँ से कर सकते हैं? इंडिया के अंदर कौन कौन से रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंस्टीट्यूशंस आप लोगों को ये कोर्स ऑफर करते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के इंडिया के अंदर जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, सॉरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है, तो आप लोग इन सभी कॉलेजेस से अपना बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। और बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कोर्स है, ये हमारा 3 ईयर का कोर्स होता है आफ्टर 12th क्लास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे कॉलेज है या जो हमारा इंस्टीट्यूशन है या जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो है हमारी आदेश यूनिवर्सिटी, और ये हमारी बठिंडा में है, पंजाब में है। यहाँ से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ये हमारा नमसाई लोहित एक जगह है, वहाँ पे ये है, ठीक है। एक्चुअल जिसकी लोकेशन है वो ये है, और ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी। ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी है हमारी यहाँ पे, ये भी यूनिवर्सिटी आप लोगों को ये कोर्स ऑफर करती है। ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी हमारी कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये हमारी ओडिशा में है, और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है अलूरी नगर, ठीक है, विलेज अलूरी नगर, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे केस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा चंगा में है, चंगा एक जगह का नाम है, और ये गुजरात स्टेट में ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैन गलपट्टू मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग अपना ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियन कॉलेज हमारा बेंगलोर में है और कर्नाटका में, यहाँ से भी आप लोग अपना ये बैचलर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं या इस बैचलर कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है रेडियोलॉजी में बहुत सारे कोर्स आप लोगों को ऑफर करता है, बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स, तो आप लोग यहां से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है CMC इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं, इसकी मेडिकल में इंडिया के अंदर जो रैंक है वो बहुत ही अच्छी है, और ये रेपुटेटेड एक मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, और ये आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी को छोड़ के भी बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को ऑफर करता है, लाइक MBBS, MD, ठीक है, आप लोगों को इस टाइप के कोर्स जो है ऑफर करता है ये इंस्टीट्यूशन। और यहाँ से बहुत सारे और भी कोर्सेज जो है, डिप्लोमा कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CMJ यूनिवर्सिटी, ये हमारा मेघालय में है, और यहाँ से भी आप लोग अपना ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज ऑफ अप्लाइड एजुकेशन एंड हेल्थ साइंसेज, ये हमारा मेरठ में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से भी आप लोग अपना ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये इंडिया के कुछ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, जहाँ से आप लोग अपना ये कोर्स कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के पास में होते हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं फ्यूचर को लेके आप लोगों के लिए मेडिकल लाइन में ओपन हो जाते हैं। आप लोग इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट
जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आप लोग जॉब कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है। और पर ईयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज निकालती है, उन वैकेंसी के थ्रू आप लोग गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप लोग वर्क कर सकते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स, इस कोर्स की क्या डिटेल है या ये कोर्स कितने कौन सा कॉलेज कितनी फीस इस कोर्स के लिए आप लोगों को चार्ज करता है, इस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा चिकीज बायोलॉजी चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ओवर थिंक करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ में हर एक पॉइंट जो है इस कोर्स से रिलेटेड वो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारे कोर्सेज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं रेपुटेटेड इंडिया के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो एक तरह से जो हमारे जहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हैं, या आप लोगों को कौन रिक्रूट करता है उस कोर्स को करने के बाद, या टॉप रिक्रूटर्स कौन हैं, जैसे हमने उन अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लेके वो सभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं, डिस्कस किए हैं। सेम एज ऐसे ही हम लोग इस कोर्स को लेके जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, और उसकी लिंक चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज की लिंक, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ में वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं चिकीज बायोलॉजी चैनल पर अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब वहां पे कर लिया। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना न भूलें, क्योंकि उस बेल आइकन के बटन से ही आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है जब भी मैं कोई नई वीडियो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे अपलोड करता हूं। और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स, अपने कलीग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।